हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता होगा, आज हमारी 6 अक्टूबर हो चुकी है और आज के जितने भी IMP करंट अफेयर्स होंगे आपके, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? रोहित चोपड़ा को, अतीर अरोड़ा को, अमित मेहता को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शायद आपको पता होगा कि जो रेटिंग एजेंसी है ना क्रिसिल, उसके MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO यानी कि कंपनी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी का की पर्सन माना जाता है, तो उसे नियुक्त किया गया हमारे यहाँ पर किसे? अमित मेहता को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। हाल ही में 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो शायद आपको पता होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है, वो 40वां जो मेला होगा वो हमारी मुंबई में, न्यू दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस जगह पर आपका जो है आयोजित किया जाने वाला है? तो आपको पता होगा कि जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो हमारा नई दिल्ली में स्थापित करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में स्वतंत्र सेनानी तिरुपुर कुमार ने के नाम पर किस राज्य में सड़क का नाम रखा है? तो जो तिरुपुर कुमार जो थे हमारे, तिरुपुर कुमार वो हमारे स्वतंत्र, एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी हुआ करते थे उस वक्त के, तो उसके नाम पर हमारी गवर्नमेंट जो है उसने एक रोड जो है उसका सड़क का नाम रख दिया है उसको सम्मान के लिए। तो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एक काम करने वाला राज्य जो है वो हमारा तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है? तो आपको पता होगा कि जो सुदर्शन भारत परिक्रमा है उसको हरी झंडी दिखाई जाने वाला व्यक्ति हमारा कौन है? अभिता अमित शाह। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन जो DCX है, यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, DCX जो है उसने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपको पता होगा कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX है उसने हमारे यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने क्रेडिट मैन का 100% जो है स्वामित्व हासिल किया है? गूगल, पेटीएम, फ़ोनपे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि जो क्रेडिट मेट है उसका 100% जो स्वामित्व हासिल किया है वो हमारा पेटीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 2021 का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसने जो है पाया है? तो आपको पता होगा कि जो हाल ही में हमारा 2021 का फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस अम पोटियन, तो इस दोनों ने जो है हमारा पाया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इन दोनों के नाम याद कर लीजिएगा, आपका IMP क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो शायद आपको पता होगा कि जो पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन जो हमारे किसने किया है, तो आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो आपको पता होगा कि घनश्याम नायक जो थे एक बहुत बड़े अभिनेता थे हमारे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में वीरेंद्र लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वीरेंद्र लाकड़ा जो थे वो हमारे हॉकी से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।